आज तो कतई मौसम भौकाली रूप से हो रखा है। घनिष्ठ भूख के कारण ये सस्ता सा भोजन करता हूँ मैं दोपहर, और देखता हूँ कि ये बिन मौसम की बारिश हो जाती है और इसके कारण तौबा 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 थारा मूड खराब कर दिया। पर मैं काम के बोझ का मारा, कोई भी मौसम हो मुझे तो काम करना ही पड़ता। मैं मार्केट से दूध की थैलियां लेकर अपने काले भैंसे पर निकल पड़ता हूँ। घर पहुँच कर मैं अपने विचित्र भाई को देखता हूँ, जो अपने विचित्र टी शर्ट को देखता रहता है। इसको देखते देखते मेरा ध्यान मौसम के ऊपर जाता है, जो कि कतई घातक रूप धारण कर रखा। फिर मेरे अंदर चुल मस्ती की थोड़ा सा पानी बर्बाद कर दिया। नरेंद्र मोदी की याद आने पर मैं पानी को बंद कर देता। तभी मेरा ध्यान पड़ता है कि ये मनुष्य काफी चिंतित, देखने से लगता है कि इसकी वाइफ इसको बहुत टॉर्चर करती है। फिर मैं निकल पड़ता अपने लुच्चा लपंगो दोस्तों के पास, जहाँ पर डेढ़ होशियार ही पटक रहा था अपना। ये लुच्चा मुझे लड़की बटाने की टिप्स देता है, पर मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ। तभी एंट्री होती है उल्लू के पट्टे की, जो कि बेमतलब का ज्ञान झाड़ रहा था। थोड़ी देर बाद मेरी नजर पड़ती इस विचित्र पौधे पर, उसको देखकर लगता है कि ऊपर वाले ने इसको छप्पर फाड़ कर भेजा। फिर मैं गिरते पड़ते दुकान पहुंच ही जाता, जहाँ पर ये प्राणी मेरा स्वागत करता है। और मैं अपनी दुकान की चाबी के लिए लाया हूँ छल्ला, जिसको पहनाने के बाद मेरे चाबी के अंदर चार चांद। इसकी सुंदरता को देखकर मेरे मन में एक ही विचार आता है।